प्रकरण भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बातचीत करूंगी और आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगी और आप लोगों से इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। बच्चों, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग खराब भोजन और अच्छे भोजन यानी ताजे भोजन और खराब भोजन में पहचान करके उसमें अंतर बता पाने के संबंधित जो है वो बातें बता लेंगे।